हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको राजपूती जंपर की स्टिचिंग करके बताने वाली हूँ। कटिंग का वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम इस तरीके का अस्तर वाला जंपर बनाने वाले हैं। ये राजपूती कुर्ती से थोड़ा अलग होता है, इसके साथ स्लीव्स अटैच होती है और इसका जो गला होता है वो राजपूती कुर्ती से थोड़ा छोटा होता है, क्योंकि इसके साथ में कांसली नहीं पहनी जाती है इसलिए गला थोड़ा छोटा रखते हैं। और सेम उसी तरीके से चाक बनती है जैसे कि राजपूती कुर्ती में बनती है। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें अस्तर को और ऊपर वाले फैब्रिक को एक साथ इस तरीके से रखना है कि चारों तरफ कपड़ा बराबर रहे और ये जो वो इसके ऊपर वर्क बना हुआ है, बॉर्डर बना हुआ है, एकदम सेंटर में आ जाना चाहिए, ठीक है। और सेंटर जो वर्क बना हुआ है इससे नीचे लगभग दो उंगली जगह रखिएगा ताकि हम सिलाई आसानी से लगा सकें। अब हमें एक बड़ी सुई लेनी है, उसमें धागा पिरोना है। सबसे पहले ये वर्क को अस्तर के ऊपर हमें अटैच करना है, यानी कि इसके ऊपर सिलाई लगानी है हाथ से। यहाँ पर आप पक्की सिलाई लगा दीजिएगा ताकि इसमें जोल ना रहे और ये अस्तर लूज भी ना हो, इसलिए हमें इसे चिपकाना ज़रूरी होता है। ये हमने इसके ऊपर अटैच कर दिया, जो बूटा बना हुआ है इसके ऊपर भी आप सिलाई लगा दीजिएगा। अब उसके बाद हमें क्या करना है, इसके कुर्ती के चारों तरफ हमें हाथ से सिलाई लगानी है, यानी कि कच्ची सिलाई लगानी है। बड़ी बड़ी सिलाई लगा दीजिए, उसे हम बाद में निकाल देंगे। इससे अस्तर और ऊपर वाला फैब्रिक इधर उधर ना सरकेगा, हमें सिलाई करने में भी आसानी होगी। अब आप चाहो तो इसे सीधे मशीन से भी लगा सकते हो अगर आपको प्रैक्टिस हो तो। अब हम पीछे वाले पार्ट पर भी ऐसा ही करेंगे। यहाँ पर मैं आपको सीधे मशीन से सिलाई लगाना बता रही हूँ। अस्तर को और ऊपर वाला फैब्रिक को हमें एक साथ कर लेना है और इसके साइड में और शोल्डर्स पर सिलाई लगा लेनी है ताकि जब हम इसकी सिलाई करें तो अस्तर जो है, ऊपर वाला फैब्रिक जो है, वो लूज ना हो। अब हम सबसे पहले शोल्डर्स जॉइंट करेंगे। पहले आप पूरी सिलाई लगा लीजिए। अगर आप इसमें चुन्नट डालना चाहते हैं, प्लेट्स डालना चाहते हैं, तो उसकी भी सिलाई आप लगा लीजिए। पहले ये इस तरीके से मार्क कर लीजिए। ये देखिए, शोल्डर्स से थोड़ी दूरी नीचे की तरफ और जो कमर की सिलाई है उससे नीचे तक हमें प्लेट्स डालनी होती है। तो हमें क्या करना है, इसके ऊपर पहले सिलाई लगा लेनी होती है, उसके बाद हम प्लेट्स डालते हैं। इससे ऊपर वाला फैब्रिक है सरकता नहीं। आगे वाले पार्ट में भी इसी तरीके से कर लीजिए। अगर आप चुन्नट नहीं डालना चाहते, प्लेट्स नहीं डालना चाहते तो ऐसे ही रहने दीजिए। अब हमें शोल्डर्स जॉइंट करने हैं। तो आर्मोल की तरफ से आप कपड़े को बराबर रखिएगा, बीच में कपड़ा ज़्यादा कम भी हो सकता है, लेकिन आर्मोल की तरफ से हमें कपड़ा बराबर रखना है। दोनों तरफ से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अब हम एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है ऊपर वाला, उसे कट कर देंगे। पहले हमें इसे कट नहीं करना है, बाद में इसे हम कट करेंगे। अब हम मगजी को जॉइंट कर लेते हैं। आप इसके ऊपर एक के ऊपर एक इस तरीके से उल्टी रखिए और जहाँ से कपड़ा मिलता है वहाँ से आप सिलाई लगाना स्टार्ट कर दीजिए। इस तरीके से दोनों मगजी को जोड़ लेना हमें। अब अस्तर को ऊपर वाली मगजी के ऊपर इस तरीके से रखना है। यहाँ पर हम बिना फोल्डिंग वाली मगजी बना रहे हैं, तो दोनों फैब्रिक को पहले बराबर कर लीजिए, एक साथ कर लीजिए। इसमें बिल्कुल भी जोड़ नहीं रहना चाहिए आपको। शुरुआत में मगजी अच्छी तरीके से सेट करनी है। अब हम गुणे की पट्टी कटिंग कर लेते हैं। अगर आप गुणा बनाने का वीडियो भी देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ज़्यादा चौड़ी हमें मगजी नहीं बनानी है, लगभग एक उंगली के बराबर हमारी मगजी होनी चाहिए। पहले आप अस्तर को और ऊपर वाले फैब्रिक को इस तरीके से एक साथ कर लीजिए, ठीक है, बराबर हो जाना चाहिए। उसके बाद हम गुणे की पट्टी को रखेंगे और मगजी को थोड़ा सा टाइट पकड़े हुए रखेंगे ताकि जो ऊपर वाला फैब्रिक है वो बाहर की ओर ना आए। कई बार हो जाता है कि ऊपर वाला फैब्रिक बाहर की ओर आ जाता है, उसमें लूज आ जाता है। तो देखिए, हम इस तरीके से साइड में उसे खींच लेंगे और मगजी को पीछे से और आगे से पकड़ते हुए फिर बनाएंगे। दोनों फैब्रिक को पहले बराबर कर लीजिए। जो ऊपर वाला फैब्रिक है उसे आप उंगली की मदद से देखिए इस तरीके से खींच लीजिए ताकि इसमें कोई लूज ना रहे, इसमें बिल्कुल भी जोल ना आए। ये इस तरीके से, और मगजी एकदम बराबर बननी चाहिए। गुणे के बीचों बीच आप सिलाई लगाइएगा और मगजी के नीचे की तरफ देखिए, बिना मैचिंग का धागा यूज़ में लीजिएगा ताकि हमें गुणा निकालने में दिक्कत ना आए। और गुणे के एकदम बीच में सिलाई लगानी है ताकि गुणा अच्छे से फोल्ड हो जाए। इस तरीके से हमें पूरी मगजी बना लेनी है, बिल्कुल भी जोल नहीं आना चाहिए उसमें और ना उसमें बेलन पड़नी चाहिए। अब हम गले पर मगजी लगाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर हमें एक सेंटर बना लेना है पीछे वाले गले में, और गुणे को एक साइड में इस तरीके से फोल्ड कीजिए और जहाँ से मगजी लगा रहे हैं वहाँ से एक उंगली लगभग मगजी को एक्स्ट्रा रखिएगा ताकि हम फोल्ड कर सकें। ये देखिए, हम सेंटर से मगजी लगाना स्टार्ट करेंगे। हमने लगभग एक उंगली बराबर मगजी एक्स्ट्रा रखी है।
थोड़ी थोड़ी दूरी में मगजी को पकड़िए और पूरे गले पर मगजी लगाते वक्त मगजी को हल्का सा खींचते हुए रखना है। इतना ज़्यादा भी नहीं खींचना है कि कुर्ते में चुन्नट आ जाए, हल्की सी हमें खींचते हुए रखना है। इससे फिनिशिंग अच्छी आती है और मगजी भी एकदम अच्छे से सेट रहती है। और गुणे के एकदम पास पास में जितनी दूरी में आपको जितना मोटा गुणा चाहिए उतनी दूरी में आपको सिलाई लगानी है, लेकिन गुणा एकदम बराबर दिखना चाहिए इसलिए आपको थोड़ी थोड़ी दूरी में पकड़ के फिर सिलाई लगानी है। और गला में कपड़ा बराबर लीजिएगा सिलाई में, ऐसा नहीं कि कहीं पर हम ज़्यादा ले लें और कहीं पर कम ले लें, इससे गले का शेप बिगड़ सकता है। अब थोड़ी सी मगजी को एक्स्ट्रा रखिए और बाकी मगजी को कट कर दीजिए। अब मगजी के पास पास में जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा हमें दिख रहा है उसे हम कट कर लेंगे। कुर्ती के गले पर भी जो कपड़ा लगा हुआ था हमने पहले उसे कट नहीं किया था, अब हमें उसे कट किया है। अब यहाँ से हम मगजी को जॉइंट कर देंगे और इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। उसके बाद मगजी को इस तरीके से फोल्ड कर देंगे जो एक्स्ट्रा मगजी हमारे पास। अब ऊपर की ओर हम सिलाई लगा देंगे। जो भी हमने कपड़ा लिया है सिलाई में वो हम एक साइड में कर देंगे कुर्ती की तरफ, और गुणे से लगभग 1/4 इंच दूरी पर हमें सिलाई लगानी है। ये देखिए अस्तर वाला सूट है तो यहाँ पर आपको कपड़े को अच्छे से पकड़े हुए रखना है, उसके बाद इसके ऊपर सिलाई लगानी है। गुणा एकदम बराबर दिखना चाहिए, देखिए इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, जो हमने कच्ची सिलाई लगा रखी है आज से इसे हम निकाल देंगे। अब हम शोल्डर्स पर भी आर्म होल पर भी इसी तरीके से मगजी लगा लेना है। आर्म होल पर मगजी लगाते तक हमें मगजी को बिल्कुल भी नहीं खींचना है, आर्म होल के बराबर हमें मगजी लगानी है। अब हम एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो कट कर लेंगे। अब हमें स्लीव्स जॉइंट करनी है तो उसके बाद पहले हमें क्या करना है, स्लीव्स को रेडी करना होगा। हमने अभी तक आर्म होल के ऊपर जो ऊपर के वाली सिलाई लगाते हैं वो भी नहीं लगाई है, ठीक है। और देखिए स्लीव्स आगे की और पीछे की एक तरफ ना हो जाए, आपको जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि स्लीव्स के हमने आगे वाले पार्ट की ज़्यादा कटिंग कर रखी है। इसके ऊपर आप मगजी लगा लीजिए। अब जो साइड हमें आगे की तरफ रखनी है यानी कि जिसकी हमने ज़्यादा कटिंग कर रखी है वो स्लीव्स लीजिए और देखिए इस तरीके से रखिए। ये हमने आगे की स्लीव्स रहेगी तो इन्हें आप आगे वाले पार्ट की तरफ ही रखिएगा। अब इसमें आप सेंटर बना लीजिए एक, और बीच में से हमें स्लीव्स जोड़ना स्टार्ट करना है। जो सिलाई हमने मगजी लगाते वक्त लगा रखी है उसके पास में सिलाई लगानी है, यानी कि गुणे के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए, आपको ज़रूर ध्यान रखना है। और स्लीव्स को हमेशा ऊपर की ओर ही रखना है स्लीव्स जॉइंट करते वक्त जंपर में, यानी कि स्लीव्स को हम आधा आधा करके स्टिच करेंगे। ये देखिए हमने गुणे के पास में सिलाई लगा रखी है, जो हमने गुणे पर सिलाई लगाई थी उसके ऊपर सिलाई नहीं लगाई। अब हम आधी दूरी में भी और सिलाई लगा लेंगे, लेकिन आपको स्लीव्स हमेशा ऊपर की ओर ही रखना है, इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। इस तरीके से हम दोनों स्लीव्स जॉइंट कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, सारे कपड़े को कुर्ती की तरफ कर देंगे और इसके ऊपर की ओर सिलाई लगा देंगे मगजी के ऊपर की ओर। इससे स्लीव्स भी अच्छे से दब जाएगी और मगजी भी अच्छे से दब जाएगी। इस तरीके से आपको स्लीव्स जॉइंट करनी है। गुणे को एकदम बराबर रखिएगा और ऊपर वाला फैब्रिक भी अच्छे से रखिएगा। ये हमने दोनों स्लीव्स जॉइंट कर ली। अब हम कुर्ती के जंपर के साइड की सिलाई लगा देंगे। तो इसे आप पलटिए और जो यहाँ पर हमने कट लगा रखा है वहाँ से स्टिच लगाना स्टार्ट कीजिए। पहले हम ऐसे स्टिच लगा देते हैं उसके बाद फिटिंग की स्टिच लगाएंगे, ठीक है ना। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दीजिए जो ऊपर वाला फैब्रिक है। अब हम इसमें प्लेट्स डाल देते हैं। तो प्लेट्स के लिए हमने पहले सिलाई लगा रखी है। तो हम देखिए शुरुआत में हम कपड़ा कम लेंगे, बीच में आते आते हम थोड़ा मोटा कर लेंगे कपड़े को, फिर एकदम पतली सी सिलाई लगा के इस तरीके से हमें प्लेट्स डालनी है। अब हम कमर का साइज ले लेते हैं, हमें कमर में से कुर्ती कितनी रखनी है, जंपर कितना रखना है। यहाँ पर हमें 36 इंच रखना है तो हम यहाँ पर 18 इंच पर निशान लगाएंगे। और दोनों तरफ आपको मार्जिन में कपड़ा बराबर रखना है, ऐसा नहीं कि हमने एक तरफ कपड़ा ज़्यादा रख दिया और एक तरफ कम रख दिया, तो इससे आपका जो जंपर है वो तिरछा हो सकता है। और चेस्ट का साइज़ भी आप बराबर कर लीजिए, यहाँ पर हमें 36 इंच का करना है तो हम 36 इंच पर निशान लगा देंगे। उसके बाद देखिए जितनी हमने चाकबंद रखी है वहाँ तक हमें स्टिच लगानी है। और इस तरीके से पहले आप पेन से मार्क कर लीजिए। कमर में तो आप थोड़ा कपड़ा ज़्यादा ले लीजिएगा, यानी कि उसमें गोलाई दे दीजिएगा, इससे फिटिंग अच्छी होगी। और स्लीव्स पर भी आप निशान लगा लीजिए। ये देखिए इस तरीके से तिरछी सिलाई लगानी है हमें। और फिर यहाँ से 36 इंच करते हुए कमर में थोड़ी ज़्यादा कपड़ा लेंगे और फिर यहाँ तक कम कर देंगे कपड़े को। अब देखिए हमें चाक की कटिंग किस तरीके से करनी है। जो हमने सिलाई लगा रखी है उसके एकदम नीचे हमें स्ट्रेट कट करना है। ये देखिए इस तरीके से। कई बार होता है कि चाक की कटिंग हम सही नहीं करते हैं तो यहाँ से कुर्ती बाहर की ओर आ जाती है या फिर कभी कभी अंदर की ओर भी चली जाती है। तो जो आपने सिलाई लगा रखी है उससे जस्ट नीचे आपको एकदम स्ट्रेट कट करना है।
इस तरीके से पहले आप मार्क कर लीजिए, उसके बाद कटिंग कर सकते हो। और यहाँ पर हमारा अस्तर वाला जंपर है तो हम ऊपर वाले फैब्रिक की कटिंग बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं चाक की कटिंग करते वक्त। ये देखिए, अब हम पीछे वाले चाक में भी निशान लगा लेंगे ये इस तरीके से। ऊपर वाले फैब्रिक की हमें बिल्कुल भी अभी कटिंग नहीं करनी है, वरना ये छोटा हो सकता है। इससे हम कटिंग हम बाद में करेंगे मगजी लगाने के बाद। एकदम स्ट्रेट कट कर दीजिएगा। अब हम आगे वाले पार्ट की भी इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, सिर्फ हमने अस्तर की ही कटिंग करी है और जो हमने सिलाई लगा रखी है उससे एकदम नीचे की तरफ स्ट्रेट कट करना है। इससे चाक की कटिंग एकदम अच्छे से होगी। हमने चाक की कटिंग कर ली है। अब हम कुर्ती का पीछे वाला एक कोई सा भी कोना ले सकते हैं, वहाँ से मगजी लगाना स्टार्ट करेंगे। गुणे को एक साइड में फोल्ड कीजिए और कुर्ती से थोड़ी एक इंच बड़ी रखिएगा मगजी को, ताकि हमें कोना बनाने में ज़रूरत होगी इसकी। अब अस्तर को आप बराबर कर लीजिए। आप चाहो तो यहाँ पर पहले से ही अस्तर को बराबर करके हाथ से सिलाई लगा के कच्चा कर सकते हो। अब देखिए, कोना बनाने के लिए हमें थोड़ी सी दूरी पहले ही मशीन को रोक देना है। उसके बाद कुर्ती को इस तरीके से लाना है, इस तरफ अपनी तरफ। मशीन के फुट को बाहर की ओर निकाल दीजिए, मगजी को पीछे की तरफ कीजिए। एक उंगली के बराबर मगजी को रखते हुए आगे की ओर ले आइए। अब जहाँ से हमने स्टिच रोकी थी वहीं से आगे की तरफ से हमें स्टिच लगाना स्टार्ट करना है। ये देखिए इस तरीके से, और सेम वैसे ही मगजी लगाते हुए चलना है। इस तरीके से एकदम परफेक्ट कोना बन जाएगा। और यहाँ पर देखिए, जो कुर्ती के बंद साइड है वहाँ पर भी हमें कोई भी कोना नहीं बनाना है। जो हमने कपड़ा सिलाई में लिया उसे एक साइड में कर दीजिए और यहाँ पर कोई भी कोना नहीं बनाते हुए एकदम सीधी मगजी लगा दीजिए। यहाँ पर आपको जरूर ध्यान रखना है, कपड़ा कई बार छूट भी जाता है। अब देखिए, जो हमें कोना लास्ट वाला किस तरीके से बनाना है। थोड़ी मगजी एक्स्ट्रा रखिएगा, उसके बाद हमें बनाना है। पहले हम एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देते हैं। अब जो सारे कोने हैं उसके अंदर की ओर हमें सिलाई लगा देनी है। ये देखिए, यहाँ तक हमने सिलाई लगा रखी है। इसके यहाँ पर बाहर की ओर निकालते हुए तिरछी सिलाई लगानी है। अगर आपको कोना बनाने का वीडियो अलग से देखना है तो उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये देखिए, इस तरीके से एकदम परफेक्ट कोना बन गया है। अभी जो लास्ट वाला कोना है उसमें भी हम इसी तरीके से सिलाई लगाएंगे और एक तरफ की मगजी हम कट कर देंगे और एक तरफ की ऐसे ही रखेंगे और उस मगजी को इस तरीके से अंदर की ओर फोल्ड करते हुए इसके ऊपर की ओर सिलाई लगा देंगे। अब हम पूरी कुर्ती पर चाक पर इसी तरीके से सिलाई लगा देंगे जो हम ऊपर की ओर सिलाई लगाते हैं। देखिए, कोनों पर सारे कपड़े को एक तरफ कर देंगे और इसके ऊपर की ओर सिलाई लगा देंगे, ताकि जो कपड़ा है वो अच्छे से दब जाए और कोना उठा उठा सा ना लगे। अंदर से कपड़ा अच्छे से दब जाना चाहिए। हमारा जंपर बनकर तैयार है। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।